लगे है, काफी डरने लगे है, मेरी मार्केट ना खा नीचे धरने लगे है, मेरी बातों के नोट्स और फर्र लगे है, मेरी बातों के बारिश में गलने लगे है, करूं जो भी मन करे शब्दों से भंड करे, मुंह खोले हाथ ऊपर नीचे देखो खड़े, काफी और आना बम्बल ना टेंडर, तेरा होने वाला रैपर और सिंगर, खाली मेरी फिंगर डबल नी सिंगल, मैं तेरा अक्षय के तुझ में वो ट्विंकल। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल टेक में आपका स्वागत है, और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले कुछ इस तरीके का स्टेटस वीडियो बनाकर। तो दोस्तों, अगर उससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको किनेमास्टर को ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और राइट पे क्लिक कर दूँगा, और इसको 30 सेकंड तक बढ़ा लेना है, अपने सॉन्ग के अकॉर्डिंग इसे सेट कर देना है और राइट कर देना है। और दोस्तों, अब आपको लेयर पे क्लिक करना है, और मीडिया पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी इमेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैंने भी यहाँ से अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लिया, और इसको 30 सेकंड तक बढ़ा लेता हूँ, अपने बैकग्राउंड के बराबर कर देता हूँ, और इसको अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना है सेंटर में, और राइट कर देना है। दोस्तों, अब हम ऐड कर लेते हैं अपनी क्यूब वाली ग्रीन स्क्रीन को। तो इसके लिए आपको लेयर पर क्लिक करना है और मीडिया पर क्लिक करना है, और यहाँ से अपनी ग्रीन स्क्रीन के इफ़ेक्ट को ले लेना है, और इसको ओके कर देना है, और राइट पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों, इसको एडजस्ट करने के लिए इसकी लेयर पे क्लिक करें, और यहाँ पे कटर और साउंड के बीच में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, और ऑफ़ के बजाय इस पर फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लेना है, तो वो जूम यानी कि फिक्स स्क्रीन हो जाएगा, और राइट कर देना है। और फिर से आपको इस लेयर पर क्लिक करना है, और नीचे क्रोमा की का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, तो इस पर आपको क्लिक करना है और इसे इनेबल कर देना है, और इसे अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना है। तो ये दोस्तों, मेरा अच्छी तरीके से एडजस्ट हो चुका है, और इसको राइट कर देना है, तो आपको भी कर लेना है। और मैं आपको एक बार चला के बता देता हूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है। ओके दोस्तों, इसके बाद आपको अपनी इमेज को अपने क्यूब के स्क्रीन के अकॉर्डिंग इसे सेट कर देना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा आगे की तरफ खिसकाना है, जहाँ से आपकी ग्रीन स्क्रीन स्टार्ट हो रही है वहाँ पे ले आना है, और इमेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसे जूम कर लेना है, और थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसका लेना है, और राइट कर देना है। और आप एक बार चला के देख लेना है कि अच्छी तरीके से फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं देख लेता हूँ। तो ये दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट हो चुका है। और दोस्तों, अब हम ऐड कर लेते हैं अपने ब्लैक स्क्रीन इफ़ेक्ट को। तो इसके लिए आपको लेयर पर क्लिक करना है, और मीडिया पर क्लिक करना है, और यहाँ से अपने ब्लैक स्क्रीन के इफ़ेक्ट को ले लेना है। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, और राइट और इसे फिक्स स्क्रीन कर देना है ऐसे, और राइट कर देना है। और फिर से आपको इस पर क्लिक करना है, नीचे आपको स्क्रॉल करना है, आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का, तो इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से इसको स्क्रीन सिलेक्ट कर लेना है, और राइट कर देना है। और आप देखोगे कि इसका इफ़ेक्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, इतना करने के बाद आपको अपनी एटीट्यूड वाली PNG को ऐड कर लेना है। तो इसके लिए आपको लेयर पर क्लिक करना है, और मीडिया पर क्लिक करना है, और यहाँ से अपनी PNG को सिलेक्ट कर लेना है, और इसको थोड़ा जूम करके ऊपर की तरफ सेट कर लेना है। और दोस्तों, इसका बैकग्राउंड जो ब्लैक स्क्रीन में दिख रहा है, तो मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा, और ब्लेंडिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ से स्क्रीन सिलेक्ट कर लूँगा, तो वो हट जाएगा। अगर आपके पास भी आता है ब्लैक बैकग्राउंड, तो आपको भी हटा लेना है इस तरीके से, अदरवाइज़ आपको PNG मिल जाएगी, और राइट कर देना है, और इसको 30 सेकंड तक बढ़ा लेना है। और आप देखोगे ये कुछ इस तरीके से लगेगी, और इसको थोड़ा सा और मैं ऊपर की तरफ ले लेता हूँ, खिसका लेता हूँ,
और राइट कर दूंगा। दोस्तों आप चाहते हो तो इसको आप एनिमेशन भी दे सकते हो, इस पर क्लिक करके इन एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन, आउट एनिमेशन, आपको जो भी पसंद हो वो दे सकते हो। फ़िलहाल मैं इसको कोई एनिमेशन नहीं दूंगा। दोस्तों अब हमें ऐड करनी है अपनी एक PNG, और तो इसके लिए आपको लेयर पर क्लिक करना है और मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी PNG को ले लेना है। तो दोस्तों ये सारी PNG और ये सारा का सारा मटेरियल जो है वो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो और इसको 30 सेकंड तक बढ़ा लेना है और इसे अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना है। तो मैं थोड़ा सा इसे ऊपर करके जूम कर देता हूँ और राइट कर दूँगा, तो आप देखोगे ये कुछ इस तरीके से लगेगी। और इसके बाद आपको एक PNG को और ऐड कर लेना है, तो इसके लिए आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से अपनी PNG को ले लेना है। लेने के बाद इसको नीचे कॉर्नर पर एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से, और आप चाहो तो इसको एनिमेशन भी दे सकते हो, तो मैं इसको इन एनिमेशन दे देता हूँ ये वाला, इसे 30 सेकंड तक बढ़ा लेना है, थोड़ा सा आगे से मैं इसको कट कर दूंगा और इसका एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देंगे। और आप देखोगे ये कुछ इस तरीके से लगेगा। दोस्तों अब आपको अपने पसंदीदा सॉन्ग को ऐड कर लेना है, तो इसके लिए आपको ऑडियो पर क्लिक करना है और यहाँ से अपने सॉन्ग को ऐड कर लेना है और यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके इसको ऐड कर लेना है और राइट कर देना है। और दोस्तों मैं आपको अब इसे एक बार पूरा चला के आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा स्टेटस जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना है। और दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।